नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे तीन छात्र जिसमें से एक है आसिफ एवं दो है देवंगना कलिता और नताशा नरवाल जो जेएनयू के छात्र है। और इन छात्रों को दिल्ली दंगों के आरोप में एक साल तक जेल में रखा गया था, सलाखों के पीछे रखा गया था। बीच की कुछ अवधि छोड़ दे जब इनको जमानत अलग अलग वजहों से मिल पाई और अब इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। तो जमानत देते समय केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पुलिस की नियत पर सवाल उठाते हुए इन तीन छात्रों पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए जो कुछ दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, वो यह फैसला न सिर्फ दिल्ली पुलिस पर करारा तमाचा था बल्कि अमित शाह पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने सवाल केंद्र सरकार पर भी उठाए हैं। आखिर इन तीन छात्रों का कसूर क्या था कि आसिफ जामिया का छात्र है और दोनों जेएनयू के छात्र हैं, पिंजरा तोड़ संगठन के सदस्य भी रह चुके हैं और यह सब एक्टिविस्ट है जो छात्र संगठनों की तरफ से छात्रों को जो छात्र संगठनों की तरफ से छात्रों के हितों के लिए अलग अलग नागरिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हैं, धरनों में शामिल होते हैं। यह तीन छात्र सीएए के खिलाफ भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फरवरी में जो दंगे हुए थे तब न सिर्फ इन्हें दंगाई घोषित किया बल्कि चार्जशीट में इनके खिलाफ तमाम आरोप लगाकर एक तरह से इन्हें आतंकी साबित किया। आखिर इनका कसूर क्या था? इन पर अलग अलग धाराएं लगाए गए, इनको जेल भी भेजा गया, न कि 5 से 10 साल तक जेल में रखने की साजिश भी की गई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देते वक्त कहा है कि क्या सहमति को दबाने की चिंता में सरकार की नजर में विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकी गतिविधियों के धुंधला होता जा रहा है। अगर यह मानसिकता ऐसे ही बढ़ती रही तो लोकतंत्र के लिए काला दिन साबित होगा। यह जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भवानी की पीठ ने इन तीनों छात्रों के मामले की सुनवाई करते हुए कहा, यह साबित हो गया कि विरोध करना आतंकी साजिश बिल्कुल भी नहीं है।